भाई, मेरे साथ दो इंसिडेंट्स हुए थे। मैं जो है आपको सबसे पहले अपनी चाची का वाकया बताऊंगा। तो बचपन से हम सुनते रहे हैं उनके बारे में कि जो है उनके ऊपर कोई पोजेशन है। वो पोजेशन कोई बैड उसमें नहीं है, कोई उनके साथ एक बाबा है जो उनकी हिफाजत करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। शुरू से हम लोग बचपन से सुनते रहे, लेकिन कभी देखा नहीं इस चीज़ को। तो एक दिन मेरे साथ जो है ये पर्सन मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, हुआ कुछ ऐसे मिनाज भाई के जो है मेरी एक शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह की चीज़ देखूं कि क्या होती है और इसका क्या रिएक्शन होता है जब किसी पे हाजिरी होती है, तो वो कैसे होती है। तो वो फिर एक दिन हम सब, कोविड का टाइम था, हम सारे कजन्स जो हैं वो हमारे रिलेटिव का एक घर है, तो उन्होंने हमें वहाँ पे जो है इनवाइट किया हुआ था। अब जो कि कोविड था, सब लोग फ्री थे, ना पढ़ाई थी ना कुछ था, तो हम सारे वहीं पे स्टे कर रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि ये इस तरह से शुरू होता है, असर और मगरिब का बीच का जो है ना, जो जवाल का वक्त होता है, ये वो वक्त चल रहा था। एक कमरे में मैं, मेरी कज़न जो कि मेरी चाची की बेटी हैं, और मेरा एक कज़न है जिनके घर पे हम लोग जो है रुके थे, तो वो उधर जो है ना सो रहे थे उस रूम के अंदर। अच्छा, मैं और मेरी कज़न हम लोग आपस में बातें बातें कर रहे थे, अपने बचपन की कुछ स्टोरीज वगैरह डिस्कस कर रहे थे। इतनी देर में मेरी चाची जो है वो नहा के उसी रूम के वॉशरूम से बाहर आती हैं, और वो भी हमारे साथ बैठ गई, बातें बातें करने लग गई। अब वो जब वो वक्त हिट हुआ, असर और मगरिब का जो जवाल का वक्त था, तो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि उनकी तबीयत में ना थोड़ा सा चेंजेस आने लग गए। वो अचानक से जो है उन्होंने अपने सर पे हाथ रख लिया, और वो थोड़ा सा जो है ना अजीब सा रिएक्ट करने लगी। मुझे लगा शायद सर में दर्द हो रहा होगा, इंसान है, हो जाता है। तो जो है मैंने अपनी कज़न से बोला कि क्या हुआ इनको, मैं दवाई वगैरह ले आता हूँ इनके लिए। तो उसने बोला नहीं, कुछ नहीं, वो मैं देखती हूँ क्या हुआ। अच्छा, मुझे उस वक्त तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। खैर, मेरे दिमाग में यही अभी भी चल रहा था कि वो जो है तबीयत सही नहीं होगी उनकी। मैं उससे पूछता रहा पूछता रहा। खैर, हुआ ये कि जब वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और वो बिल्कुल ना ऐसे जैसे आपने देखा है मदरसे में बच्चे जो होते हैं, वो जब कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं तो हिलना शुरू हो जाते हैं, वो हिलते हैं। तो वो उस तरह ना आहिस्ता आहिस्ता इस तरह वो आगे पीछे हिलना शुरू हो गई जगह पर बैठ के। अच्छा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। खैर, मेरी कज़न ने दुपट्टा खोल के सर पे सही से ओढ़ा, और उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो है ना, मैं फिर भी मैं ब्लैंक था बिल्कुल कि क्या हो रहा है। सडनली वो जो है ना बिल्कुल ही उनकी बॉडी ऐसी ढीली सी हो गई, और उनको मेरी कज़न ने लिटा दिया। लिटा के उसने अपने फ़ोन के अंदर जो है वो तिलावत शुरू करी, और जो है ना उसने मुझे कहा कि जाओ वो ताई को बुला कर लेकर आओ, और जो है ना इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा, मुझे लगा कि अभी भी जो है ना कोई फिजिकल इशू है, तो मैं गया, मैंने जाकर उनको बताया कि चाची की जो है तबीयत ख़राब हो गई, वो सामने वाले रूम में सब लोग आ जाएं और जो है वो देखें उनको क्या हो रहा है। अच्छा, अब वो लोग को इन सब चीज़ों का आइडिया था, वो लोग आए, सब लोग बैठे, जमा हुए, उन्होंने भी ऐसी मतलब पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं भी वहीं बैठा हूँ, मुझे मेरी ताई ने बोला कि आप जो है ना बाहर चले गए। मैंने बोला ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर कोई हेल्प वगैरह की नीड है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये जो है थोड़ा सा मामला कुछ और है, तो आप चले जाएं। अच्छा, खैर, मेरी ज़िद थी तो जो है मुझे चाहिए था कि मैं उस सब चला जाऊं उठ के बाहर, लेकिन मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि इंसान होता है। अब मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ, इतनी देर में जो है ना वो एक और मेरी कज़न आती है, उनको भी इस चीज़ का आइडिया था, वो भी बनी थी, उनसे डिस्कस हुआ। तो ऐसे ही करते करते वो आपस में विस्पर कर रहे थे। तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जब किसी पे पोजेशन होता है तो आप हल्की आवाज़ में बात करें, ज़्यादा ज़ोर से बात करते हैं तो जो चीज़ पोजेशन जब हाजिरी हुई भी होती है, अगर उनको आवाज़ चली जाए तो वो उसके ऊपर रिटेलिएट करता। तो मेरी जो कज़न है उसने कहा कि अम्मी का तावीज़ जो इनके गले में होता है वो नहीं मिल रहा, वो इन्होंने नहीं पहना हुआ, वो कहाँ है। अच्छा, मेरा ना इस पे बिलीव नहीं है, तावीज़ वगैरह के अंदर मैं नहीं करता, मुझे इस चीज़ पे बिलीव है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा नहीं है कि तावीज़ से जो भी है भाई आप कुरान वगैरह की चीज़ें वगैरह करें। खैर, मेरा इस पे बिलीव नहीं है। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो अब उन्होंने जो है ना वो ज़ोर से बोल दिया कि कौन सा तावीज़। जब उन्होंने बात बोली ना, तो उस वक्त वो चीज़ सामने आई,
और उसने मिन्हाज भाई जो भी उनके ऊपर था वो इतनी बुरी तरीके से हंसी है मिन्हाज भाई। लिटरली मैं बैठा हुआ था और मेरा ना पूरा जो है सन्नाटा रूम में सब लोग बिल्कुल होश और आवाज खो बैठे थे अपने उस समय, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे हाथ पैर कहाँ पर होते। लिटरली मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो। वो इतने बुरे तरीके से हंसी, उन्होंने हंस के बोला है कि तावीज, कौन सा तावीज, वो तो मैं अपने साथ ले गया। और उनकी इतनी भारी आवाज, और तो फिर मेरी ताई ने बोला कि अब मैं ऐसा ऐसे कह रही थी ना तुम लोगों के बाहर चले जाओ। फिर मुझे समझ में आया कि ये क्या है, और जो कजन मेरा सो रहा था उन्होंने बोला कि जैसे तैसे इसको भी उठाओ और इसको भी बोलो कि तुम दोनों बाहर जाओ, ये कमरा खाली करो, हम लोग देख लेंगे। खैर मैंने अपने कजन को उठाया, जैसे तैसे करके मैंने उसको उठाया, उसने भी जब कंडीशन देखी वो भी थोड़ा डर गया। हम दोनों बाहर आए, थोड़ी देर बाद बाहर आए तो पता ये चलता है कि अब वो नॉर्मल हो गई, स्टेबल हो गई हैं, और जो है ना तावीज उनका नहीं मिल रहा। अब ये बात शुरू हो गई है, हम लोग जो है वो डिस्कस वगैरह करते रहे आपस में कि क्या हुआ। मेरा कजन ही ब्लैंक, उसको भी नहीं पता कि ये कभी उसने भी नहीं लाइफ में देखा। अब पता ये चलता है आगे की स्टोरी का, उनके बेटे से, चाची के बेटे से उन्होंने बताया कि भाई इनके ऊपर कुछ ऐसा ऐसा सिलसिला है जो कि उनकी जो नानी थी उनके साथ कोई जो है ना वो अच्छे उनके ऊपर साथ उनकी हिफाजत के लिए हुआ करते थे, उनके इंतकाल के बाद जो है ये अब चाची के ऊपर आ गए। और जो अब चाची के ऊपर है उनका ये कहना है कि आपके बाद मैं आपकी बेटी पे शिफ्ट होंगी, ठीक है। और ये सिलसिला उनके यहाँ चलता हुआ आ रहा है एक जो भी है। अब ये तो हमें नहीं पता कि क्या स्टोरी है क्या नहीं है, बट मैंने वो पोजेशन देखा। उसके बाद अब जो है फिर उनके बेटे ने बताया कि हमारे पास जो है ना वो एक इन वगैरह जो है वो करते हैं, उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने जो है वो अम्मी का इस चीज़ का एक हिसार बांधा हुआ और उनको एक तावीज़ दिया था कि आपने जब तक आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है आपने तावीज़ पहनना है, ताकि आपके ऊपर ऐसी चीजें कभी भी वापस नहीं आए। अब जब हमने उससे पूछा कि अच्छा अब क्या करना है, वो तावीज़ मिला या नहीं मिला, तो उसने बोला कि उनसे हमारी बात हुई थी फोन पे, वो यहाँ कराची में नहीं होते, वो कहीं बाहर सिटी में होते हैं, मैं सिटी का नाम भूल गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना हिसार खींचा, उनकी अम्मी की तबीयत भी ठीक करी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि तावीज़ जो है वो आपके जो है ना घर के अंदर है, और आप लोग वहां जाए और वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा खैर अब हुआ ये कि उसने बोला कि मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है, आप लोग जो है वो मेरे साथ चलें। हम उनके घर गए, उनका घर गार्डन वेस्ट की तरफ एक फ्लैट था, उसकी टॉप फ्लोर पे हुआ करता था। हम वहाँ गए मिन्हाज भाई, और वो जो मंजर हमने वहाँ पे देखा वो ये था कि पूरे फ्लैट में सबके यहाँ लाइट थी। हम उनके घर में गए तो एक बल्ब नहीं जल रहा, ऐसा गुप्त अंधेरा और इतना सन्नाटा और इतना खौफ आ रहा था उस वक्त उस घर को देख के कि हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था कि हम अंदर पैर रखें। हम तीन लोग थे, हम उसमें हम लोग जब घर का दरवाज़ा खोला हमने, हम लोग लाइट्स खोल रहे हैं, लाइट्स ऑन नहीं हो रही, डर अलग लग रहा है क्या करें, और आगे पीछे सबके घरों में लाइट और सब चीज़ें। और फिर बार बार वो दिमाग में एक चीज़ आ रही थी हमारे कि जो है वो जब उनके ऊपर हाजिर हुई तो उन्होंने कहा कि तावीज़ तो मेरे पास है और हमारी हालत ख़राब हो गई। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो मेरी चाची का बेटा है वो अंदर गया घर में, अपने फ़ोन की टॉर्च से उसने हर जगह ढूंढा, उसको नहीं मिला। वो खैर बाहर आया, जब वो बाहर आया उसको भी पसीने आ रहे थे, वो ये बोल रहा था कि भाई मुझे भी बहुत डर लग रहा है। खैर हमने दोबारा कॉल करी, फिर उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि तावीज़ कहाँ रखा हो। तो वो बेसिकली जो है उन्होंने पूरा उसको बताया फ़ोन पे, जो भी उनका हिसार वगैरह खींच रहे थे तो उन्होंने पूरा बताया कि बेटा इधर जाना है, इधर रखा हुआ है। वो खैर दोबारा अंदर गया, उसने उसी जगह पे देखा तो उसको वहीं से मिला, ला के फिर उसने उनको दिया, और फिर इस तरीके से इनकी तबीयत बेहतर हुई। अच्छा ये तो इसका एक पार्ट था, इसका एक सेकंड पार्ट मैं आपको एक और बताता हूँ। एक दिन मैं इनके घर पे गया हुआ था, तो जो है मेरे यूनिवर्सिटीज़ के डेज चल रहे थे और मुझे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह करने थे। मेरे घर पे लाइट नहीं थी काफ़ी अर्से से, बारिशें बहुत हो रही थी, ये भी कोरोना का ही टाइम था। तो मैंने यही सोचा कि मैंने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने इनको बोला कि मैं आप लोग के घर आ जाता हूँ और मुझे इस तरीके से अपना काम वगैरह करना है, मेरा असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाएं। खैर मैं उनके घर गया, मैंने अपना काम वगैरह किया, और जब काम वाम करके हम लोग फ्री होके सब सब साथ बैठे, हम लोग खाना वाना खा के बैठ के बातें बातें कर रहे थे, तो इतनी देर में जो है ना मैं अपनी चाची के बराबर में ही सोफे में हम साथ बैठे हुए थे। तो जो है
उन्होंने मैंने ही नोटिस किया और सबने ही नोटिस किया कि उनकी फिर से तबीयत खराब हुई है। अब वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठी हुई है, मुझे पता ही नहीं है, वो लोग सब इग्नोर कर रहे हैं और ना ही मुझे बता रहे हैं। अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है और वो लिटरली जो है ना ऐसे बिल्कुल निढाल होके उनका सर मेरे लेफ्ट कंधे पे आके मतलब ऐसे सर रख लेते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप हट जाएं और इनके ऊपर दोबारा से जो है ना वही सब कुछ हो रहा है और हमें इनको रूम में लिटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है मिनाज में इनको रूम में लेके गए, वही वेट सी हंसी, लेकिन इस बार वो सिर्फ हंसे जा रही है, कुछ बोल नहीं रही और वो बस हंसे जा रही है और जो है वो पूरे घर में उनकी आवाज़ गूंज रही है। हम सबकी जो है कंडीशन ख़राब हो रही है, उस वक्त उनके सारे बच्चे भी मौजूद थे, उनके हस्बैंड भी मौजूद थे। खैर थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन उनके ऊपर वो हाजिरी हुई भी थी और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में उनको इतने करीब से फेस किया। अब रात का वक्त, मैं कहाँ जाऊँ, मैं वापस घर भी नहीं जा सकता, 2 बजने और जो है बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है बाहर। खैर हम लोग सब एक कमरे में, जिस कमरे में वो थी, हम बैठ गए। अब हम मैं उनको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल सर झुका के आंखें बंद उनकी, और जो है उनके सर पे वाइट दुपट्टा डाला हुआ है और वो आगे पीछे हिल रही है, और जो है उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट, और जो है वो देख के डर लग रहा है। फिर उनके बच्चों ने उनसे जो है सवाल जवाब करना शुरू कर, पता ये चला कि वो जो उस वक्त उनकी हाजिरी हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि मैंने आपको ये अभी रिसेंटली बताया कि इनकी हिफाजत के लिए तो वो घर वो छोड़ना चाह रहे थे और कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे थे, क्योंकि कोरोना के टाइम से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था रेंटल इश्यूज में और ये सब चीज़ों में। तो वो कोई और घर देखना चाह रहे थे जिसके अंदर उनका इजीली गुजर बसर हो जाए, घर भी थोड़ा छोटा हो। तो इसी सूरत में वो जो है ना उनके ऊपर हाजिरी हुई, वो यही बताने आए थे। उनसे खैर सवाल जवाब हुआ तो एक सवाल मेरे कज़न ने किया कि हम अभी कुछ दिनों पहले एक घर देखने गए थे, वो घर आपके मुताबिक कैसा था? तो जो भी वो चीज़ थी उन्होंने कहा कि उस घर में नहीं जाना। और उन्होंने ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी हाजिरी होती है कंप्लीट वर्ड्स में बात नहीं करता आपसे, ये आपसे ना सिर्फ हिंट से बात करते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़ों में बात करते हैं। तो उन्होंने एक दो अल्फाज में बोला कि वो घर नहीं। तो मेरे कज़न ने दोबारा सवाल किया, क्यों? तो उन्होंने बोला बस नहीं, उसके अंदर मसला है। और जो है फिर मेरे कज़न ने पूछा उसके अंदर क्या मसला, तो उन्होंने फिर जो है वो दोबारा से उसको सही तरीके से बताया कि उस घर में जो है ना एक जो है अच्छी चीज़ का वहाँ पे रहना है और वो घर आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। खैर उसके बाद जो है उनसे कुछ उन्होंने अपनी पर्सनल बात वगैरह की, उन्होंने मुझे भी कहा कि आपको कोई सवाल या कोई चीज़ पूछनी है? तो जो है मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पूछना, बस यही है कि आप सबके लिए दुआ कर लें और सबके लिए जो है वो आसानी अल्लाह ताला पैदा करे, बस ये मैंने कहा। और थोड़ी देर बाद जो है वो ये सब सिलसिला चलता रहा बातों का उनके साथ, जो भी उनके ऊपर आए हुए थे। और उसके बाद फिर वो अचानक से बिस्तर पे गिर गई। थोड़ी देर बाद उनको 15 मिनट बाद होश आया, तो जो है उनको सर्दी सी लग रही थी और बिल्कुल ही उनकी तबीयत बड़ी अजीब सी हुई थी। फिर जो है वो नॉर्मल ये सारा सिलसिला हो गया। तो ये एक वाकया था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। एक मेरा वाकया एक और है जो कि मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो ये मेरा एक चाची के साथ वाकया था जो मैंने ये अब क्या अपनी सिनेरियो लाइफ आपकी में, चाची का? अब मिनाज भाई ये चीज़ उनके साथ है, ये अभी भी है और जो है ये उनके साथ रहेगी। उनके बखौल मेरे कजन्स के वो यही कहना है कि ये उनकी अम्मी से उनके ऊपर आया, उनकी अम्मी से उनका ये कहना है कि जब आपके बाद जो है ये आपकी बेटी के ऊपर जाएगा और अगर आपकी बेटी की भी बेटी होगी तो उसके ऊपर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब ये उनका ये कहना है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा इतना बिलीव नहीं है तावीज़ पे और इन सब चीज़ों पर, इस मखलूक पे बिलीव है कि ये होती है, बट ये भी इस पे मेरा डाउट है कि हो सकता है कि इनको कहीं जैसे आशिक जिन होता है पसंद आ जाता है, या कोई ऐसा जिन होता है जो कि आपके ऊपर जो है आपके साथ चिपक जाता है और जो कि आपको बोलता है मैं आपकी हिफाजत के लिए हूँ। तो मुझे ये वाली स्टोरी ज़्यादा लगती है। अच्छा मुझे बताएं कि असल में तो इस पूरे किस्से की जो शुरुआत है वो तो नानी से शुरू होती है। तो जो इन आपकी चाची हैं उन्होंने कभी नहीं उनके बताया कि नानी के साथ क्या सिलसिला था, या ये भी हो वो सकता है ना तो कि नानी से पता चले कि जी पर नानी के साथ भी था, तो ये खानदान दर खानदान चलता चला आ रहा है, पुश्त दर पुश्त।
हाँ, ये अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल भी रखी गई हैं, इतना ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया। लेकिन जो हम जो कि अब सेकंड जनरेशन है हमारे खानदान में, तो यही है कि हमें जो पता है वो यही पता है कि इनकी अम्मी से इनके ऊपर आया, और इनकी अम्मी से इनके जो ऊपर जो भी बाबा हैं या जो भी चीज़, उनका ये कहना है कि मैं आपकी बेटी पे जाऊंगा जो कि मेरी कज़न है, क्योंकि सेकंड जनरेशन पे आती हूँ। तो हमें यहाँ तक की स्टोरी पता है। कभी हमने पूछने की कोशिश भी की है तो इतना बताया ही नहीं गया, पर सरसरी यही बात हमसे डिस्कस की गई कि वो ऐसा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और ये चलता रहेगा जब तक जो है ये इसको चलना होगा। तो ये सारी बात है। ओके चलें। अब आपका दूसरा वाक्य भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, मतलब। चलिए मैं दूसरा वाकया बताता हूँ। मैं पहले कैंट में रहता था, तो मैंने वो इलाका छोड़ दिया। मैंने आपसे कैंट की दो स्टोरी शेयर करी थी। ये रिसेंटली बड़ा मज़े का एक वाकया है। तो मेरे कज़न की जो कि सेकंड मैरिज थी, तो वो कराची रहा था, लाहौर से। उसकी हमने यहाँ पे निकाह का फंक्शन था, तो हमने उसका निकाह वगैरह करना था। उसकी सेकंड मैरिज हो रही थी, फर्स्ट मैरिज में कुछ इश्यूज़ आ गए थे, तो उनके प्राइवेट थे, तो जो भी था खैर वो मैरिज ख़त्म हो गई थी। अब वो कज़न और मेरा ये कि वो मुझसे एज में बड़े हैं, लेकिन ऐसा है कि हमने जो है ना, जब वो बचपन में ये होता था कि एक मैंने वाक्य शेयर किया था मलीर वाले घर का बहुत पहले, जिसमें मैंने एक स्टोरी बताई थी कि फ्रिज इधर से उधर हुआ था। तो ये पहले मेरे कज़न जो है पढ़ने के लिए लंदन गए हुए थे, ये जब लंदन से वापस आए थे तो डायरेक्ट कराची आए थे और हमारे घर में रुके थे, उस मलीर वाले घर में कोई 3 से 4 महीने के लिए। तो उनसे बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। फिर ये अपने लाहौर चले गए थे अपने घर, और ये सालों बाद फिर वापस आए। तो जब ये वापस आए तो मुझे बड़ी खुशी थी। हम लोग कैंट के घर में रह रहे थे, तो इनका निकाह था। अच्छा, इनका निकाह हो गया, वो रात जो है हम लोग घर पर आए, सब चीज़ें, तो उन्होंने मुझे कहा कि कहीं चलते हैं यार, बोर हो रहे हैं और ऐसा सेलिब्रेट वगैरह भी करते हैं। मैंने बोला ठीक है, आपको मैं लेके चलता हूँ भाई। तो मैं उनको अपने घर से डिफेंस ले गया। वहाँ पे मैंने बोला चले हैं, चाय वाय पीते हैं, यहाँ पे कुछ खा भी लेंगे। रात का भी ऐसे ही वक्त था, हम लोग रास्ते में जा रहे थे बात करते हुए। तो ऐसी जो है ना, मुझे कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी, मैंने पूछा कि आपके साथ कभी कोई ऐसे वाकयात हुए हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हुए हैं, लंदन में भी हुए हैं, लाहौर में भी हुए हैं, और कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसा वाकया? मैंने उनको अपनी वही स्टोरीज वगैरह बताई कैंट की जो मेरे साथ हुआ। तो मैंने अच्छा, मैंने भी सुना है कैंट के बारे में काफ़ी, के जो है वो इलाका थोड़ा सा कभी कभार हॉन्टेड होता है। हम ये बातें बातें कर रहे थे, खैर हम डिफेंस पहुँचे, हमने अपना खाना पीना किया, हम वहाँ से वापस आ रहे थे। तो अब जो कि आपको पता है कैंट के अंदर एंट्री सिस्टम होता है, तो जब ये मैंने इनको एयरपोर्ट से पिक किया था, तो इनकी 3 दिन की एंट्री एक साथ करवाई थी हमने, वो थी चेक पोस्ट 2 से। चेक पोस्ट 2 से हमारा घर अस्करी 5 तक का जो रास्ता है वो चेक पोस्ट 2 से आप एंटर हो, चेक पोस्ट 1 से वो रास्ता जाता है और फिर जिना कॉम्प्लेक्स से होता हुआ फिर वो एक चौरंगी आती है, वहां से अस्करी की तरफ जाता है। चेक अब पोस्ट 2 जो है वो है एयरपोर्ट वाली। जी वो एयरपोर्ट से करीब है, जो कि टैंक चौक से आप अंदर जाते हैं, तो चेक पोस्ट 1 आती है जो कि सिर्फ रिजर्व है फॉर आर्मी पर्सन, और उसके बाद चेक पोस्ट 2 आती है जिस पर सिविलियंस जा सकता है। अच्छा, अब ये हम वापस आ रहे थे, 2 बज रहे थे रात के। तो ऐसी हम लोग बातें बातें करते हुए आ रहे थे, ऐसी हॉरर स्टोरी से रिलेटेड। तो जो है ना, मेरे कज़न ने बोला यार एक दिन हमारे पास और है, तो हम यहाँ पे ना रात में अगले दिन एक काम करेंगे, हम लोग कैंट एक्सप्लोर करेंगे और रात में ही निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो हमारे साथ। तो मैंने पहले तो मैं डरा, लेकिन मैंने बोला चले ठीक है, आपकी ख्वाहिश है तो हम ये भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। खैर हम चेक पोस्ट 2 से एंटर होते हैं मिनाज भाई, और हम एंटर होती हम लेफ्ट की तरफ मुड़े जिना कॉम्प्लेक्स जाने के लिए। तो वो बीच में एक रास्ता आता है, वो एक चौरंगी टाइप की बनी हुई जिसके अंदर आपके राइट पे जो है आई गेस ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस कॉलेज, और लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रहा है वो जा रहा है चेक पोस्ट 1 की तरफ, और सामने जो है ना आपके जिना कॉम्प्लेक्स एक टर्न के पास बना हुआ। तो बिल्कुल गुप अंधेरा हो रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मिनाज में मैंने देखा कि अच्छा, एक आपने ये चीज़ भी अब मैं आपको बता दूं, कैंट के अंदर 55 की लिमिट होती है गाड़ी, उससे आप ऊपर नहीं चला सकते, तो चालान होते हैं। और रिसेंटली उन्होंने स्पीड कैम्स इंटीग्रेट करे थे, तो वो ई चालान आता है सीधा घर पर अगर आपकी गाड़ी ऊपर हिट करे। तो मैं बहुत स्लो चला रहा था, अराउंड कोई 40 की स्पीड होगी, और मिनाज भाई जैसे ही मैंने ऑर्डिनेंस कॉलेज का स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया, तो जिना कॉम्प्लेक्स से पहले एक फुटबॉल का पार्क है जो कि आपके लेफ्ट पे पड़ता है, वो बीच का जो हिस्सा है और वहां से ऑर्डिनेंस के बाद बिल्कुल जंगल है सारा। तो एक वो हिस्सा है, बहुत थोड़ी सी लाइट थी, सर्दियों के दिन थे, और जो है ना हम लोग वापस आ रहे हैं, और मिनाज भाई मैंने देखा कि एक
छोटा सा बच्चा जिसका सिर्फ फिगर दिख रहा था, ना उसके कपड़े मैंने देखे, ना मुझे देखे, ना ही जो है वो उसका कोई फेस नजर आया, लेकिन उसका जो शेप था वो एक बच्चे जैसा था, एक जैसे छोटी सी हाइट का बच्चा, और उसने बहुत स्पीड से वो जगह क्रॉस की है और वो जंगल की तरफ, वो झाड़ियों की तरफ अंदर चला गया। तो पहले तो मैंने ब्रेक लगाया और मेरी हालत खराब, मैंने अपने कजन को बोला आपने देखा, उसने बोला क्या, मैंने बोला यार अभी एक वो साया गया बच्चे जैसा इस जंगल के अंदर, तो उसने बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, और हालांकि हम दोनों सामने ही देख के जो है मैं ड्राइव कर रहा था वो भी सामने ही देख रहे थे, मैंने बोला मैंने अभी जाते हुए देखा है, सुना नहीं नहीं यार मैंने नहीं देखा, तुम डराओ नहीं मुझे, मजाक नहीं करो, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कल जाएंगे, तुम तो आज ही शुरू हो गए, सुना नहीं नहीं वाह खुदा मैंने अभी जाते हुए देखा उसको, और मेरे पसीने छूटना शुरू हो गए मिन्हाज भाई, और जो है सख्त सर्दी में मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरे रोंटे खड़े हो गए, और फिर उसके बाद मैंने ना इधर देखा ना उधर, ना मैंने ये देखा कि भाई स्पीड लिमिट है, ना मैंने कुछ और देखा, मैंने बोला नहीं बस बस मुझे घर जाना है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, और मैंने बस जैसे तैसे करके जो है ना बस वहां से गाड़ी निकाली, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे जब मैं उठा हूँ तो खुद भी मैंने ये नोटिस किया कि मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है, 2-3 दिन तक जो है मैंने ये नोटिस किया, मुझे गर्मी खौफ आने लगी है, मैं घर में किसी कमरे में बैठा हूँ अकेला, तो जो है वो मुझे खौफ आ रहा है कि जो है कोई देख रहा है या कोई आहट सी फील हो रही है उस रूम के अंदर, फिर जो है मुझे बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या कैफियत हो रही है, फिर मैंने जो है अल्लाह अल्लाह किया, थोड़ा इग्नोर किया, अपना माइंड उस चीज़ से हटाया, और जो है 2 से 3 दिन में वो चीज़ भी मेरी ठीक हो गई, लेकिन ये एक वाकया था जो मैंने डिस्कस भी करना था आपके साथ, तो ये हुआ और ये चीज़ थी सारी। ओके और ये मुझे बताइए कि आप कितने सालों से कैंट में रह रहे हैं? मनोज भाई हमने कैंट रिसेंटली 2022 में छोड़ा है और हम लोग 2013 में शिफ्ट हुए थे वहाँ पे, नौ तो तकरीबन आपने 9 साल उधर गुजारे, नौ दस साल जी। और इन 9-10 सालों में ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उन लोगों को बता दूं कि ये मलीर कैंट एक कराची का इलाका है, उनके लिए बता रहा हूँ जो कराची में नहीं रहते, और ये बिल्कुल कराची का एक दूसरा कोना है। जैसे डिफेंस सी, जहाँ समंदर है ना, समंदर कराची का एक कोना है और मलीर कैंट दूसरा कोना है शहर का। तो इसके बीच में तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव है, 1 घंटे की तो ड्राइव है अगर आप शहर से जाएं। सही है, तो इतना फासला है। मुझे बताइए कि जब कम्युनिटी में लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली वहीं कम्युनिटी में ही दोस्तियां हो जाती हैं, सारे दोस्त अहबाब आपके वहीं बनते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों के बीच में इस तरह की डिस्कशन हुई हो कि यार क्या सुनने में आया है कि वो मलीर कैंट हॉन्टेड है, तो कुछ इस तरह की कहानियां निकलती थी कि यार हमारे साथ हुआ है, हमारे उनके साथ हुआ है, इस तरह हुआ है, बस इस तरह हुआ है। मिराज भाई आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं आप? अभी भी कट रही है? हाँ मेरे पास कट रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, अब बेहतर है जी, कहिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह कम्युनिटी में रहते हैं सब, तो आप एक दूसरे को जी बड़ा जान पहचान हो जाती है, दोस्ती यारी हो जाती है, आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हर किसी को पहचानते हैं, तो इस दौरान बड़ी गुफ्तगू होती है ना, बड़ी बातें होती हैं हर चीज के ऊपर, जिंदगी के हर पहलू पे, और फिर वो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है कि हॉरर स्टोरीज के ऊपर भी बातें होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ बैठ के पता चला हो कि यार मलीर कैंट में वो घर बड़ा हॉन्टेड है, वो इलाका बड़ा खतरनाक है, उस वाली रोड पे रात को नहीं जाना, ये हुआ फलाना हुआ, तो कुछ ऐसी कहानियां हैं मलीर कैंट की, या सिर्फ वहम है ये सब, या लोगों के बनाए हुए नहीं अफसाने हैं? बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। और अच्छा मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे मुझे ना जब से हम शिफ्ट हुए ना, तो शिफ्ट हुए थे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको एक एक वाक्य और सुना दूंगा जो कि ये बाकी लोगों से सुनने में पता चला था, बड़ी मुश्किलों से मेरी वहाँ पे दोस्ती यारी हुई थी, वो भी एक लिमिटेड और थोड़े से अरसे के लिए। खैर पहली चीज़ से मैं इंट्रोवर्ट हूँ, दूसरा मुझे वहाँ का शुरू से कभी माहौल समझ में नहीं आया, मैं जो है ना थोड़ा सा उस टाइप का बंदा हूँ कि वहाँ पे थोड़े से लोग हैं चूजीस हैं, और जो है ना वो थोड़ा सा कहते हैं कि ब्रांडेड टाइप के लोग हैं, तो उनके साथ ना कभी मेरा माइंड मैच नहीं हुआ, तो इतने मेरे दोस्त बने नहीं वहाँ पे कभी, लेकिन कुछ हैं। और एक रमज़ानों का वाक्य है जो कि इत्तिकाफ में हुआ था, वहाँ की एक बड़ी फेमस मस्जिद है,
और वो थोड़ी सी ना उसमें कहते हैं कि असरात वगैरह भी हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से है कि हमारे घर से अगर आप निकलें बाहर और राइट की तरफ मुड़े तो ये जो है फ्लैट्स वाला जो एरिया शुरू होता है ना, वहाँ पे मस्जिद बनी हुई कोने पे, तो अस्करी 5 का जो गेट 2 है, अगर हम उससे एंटर होते हैं तो लेफ्ट पे जाते हैं तो मस्जिद आती है कोने पे। तो वहाँ का एक वाकया रमजानों का, तो अच्छा जो घर था हमारा, उस घर में शुरू में 1 साल तो हम अकेले रहे, फिर उसके बाद हमारी खाला भी हमारे साथ शिफ्ट हो गई, उनके जो बच्चे थे वो थोड़ा सा मतलब बहुत घुलने मिलने वाले थे, तो वो बाहर जाके उनके दोस्त वगैरह बन जाते थे। तो एक दिन मेरे कजन ने और जो है मेरे खालू ने डिसाइड किया कि भाई हम इत्तेकाफ में बैठेंगे और जो है ना वहाँ पे हम रहेंगे, तो हम उनके लिए रमजानों में इफ्तारी वगैरह लेके जाते थे। तो एक दिन मैं अपने कजन के साथ मैंने जो है कजन को बोला, यार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बड़ा बोर हो रहा हूँ घर पे, तो कोई है भी नहीं और इतने मेरे दोस्त होते भी नहीं थे। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, हम लोग बैठ के जो है ना थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर लेंगे। उसमें ना ठीक है आ जाओ। फिर मैं मस्जिद में गया, उसके बाद उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेके गया, उनसे बात बात कर रहा था, हमने नमाज वगैरह पढ़ी। फिर मैंने उससे पूछा, यार कि दो तुम यहाँ पे 4-5 दिनों से हो, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे, मतलब काफी सुना है कैंट के बारे में, तुमने कोई एक्सपीरियंस किया? वही लगा कि यार अभी रिसेंटली कल का ही वाकया है, एक जो है कुछ फैमिली के बच्चे यहाँ पे इतकाफ में बैठने आए थे, और वो लिटरली मिराज में इतकाफ में भी ना, वो लोग अपने साथ लैपटॉप, मोबाइल, एयरपॉड्स और इंटरनेट की डिवाइस लेके आए हुए थे, और वो यूट्यूब देख रहे हैं रात में, और वहाँ पे कोई मतलब मना करने वाला नहीं है। वो ये बताने लगा कि यार वो लोग मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि इबादत करनी नहीं, हंसी मजाक करने ज्यादा है यहाँ पे, और इनके लिए तफरीगाह बना हुआ था। खैर इमाम साहब ने उस मस्जिद के लिए कहा था कि उस मस्जिद का जो सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, अब तो खैर मैं जो है वो भूल गया उसका नक्शा, इतना उनके मेरा उस मस्जिद में इतना जाना आना होता नहीं था, हम लोग जो है बाहर वाली मस्जिद में ज़्यादातर जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे। तो उसने मुझे बोला कि यार जो है ना वो इमाम साहब ने मना किया कि आप लोग जो है ना रात में इधर नहीं जाएंगे, इस इलाके के अंदर ये जो एरिया है मस्जिद का, इस अहाते में आप नहीं जाएंगे, और सबको उन्होंने मना किया। वो जो लड़के थे 2-3, उनका जो ग्रुप था, उन्होंने जो है ना वो उसको मजाक समझा, और वो रात में ऊपर उस जगह पे गए और वहां जाके उन्होंने हल्ला गुल्ला शोर वोर मचाया ये सारी चीजें, और वो आके सो गए। फिर वो बताते हैं कि अब हुआ ये कि भाई वो जो बंदा था स्पेसिफिकली जिसका ये प्लान था, वो लड़का कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 18 साल का होगा कुछ, तो वो मेरा कजन ये बताता है कि वो ना रात में 3 बजे के करीब उस एरिया के मस्जिद मस्जिद के उस एरिया में इधर से उधर भाग रहा है, उसकी आवाज चेंज हुई हुई है और वो कलाबाजियां लगा रहा है, और उसकी ना बिल्कुल आंखें सुर्ख लाल, और हम ये सारा वाकया देख रहे हैं। और फिर इमाम साहब आए, उन बड़ी मुश्किलों से उसको कंट्रोल किया, उसको बिठाया, उसके ऊपर पढ़ाई वगैरह की, और वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तो जब वो उठा, उससे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो उसने बोला मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सो रहा था, मैं तो ख्वाब देख रहा था कि मेरे पास उस ख्वाब में कोई औरत आई है, और उसका बड़ा खौफनाक सा चेहरा है, और उसने मुझे बस एक ही बात बोली कि मैं तुम रात में आए हो, तुम्हारी वजह से हम जो है हमारी डिस्टरबेंस हुई ऊपर, हमारी जो है ना नींद खराब हुई है, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी। और उसके बाद जो है ना बस मैंने यही देखा ख्वाब में, और बकौल बाकी सबके जो वहां पे मौजूद थे उनका ये कहना था कि ये इधर से उधर भाग रहा था उस फ्लोर के ऊपर, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कलाबाजियां खा रहा था, और इसकी आवाज बहुत ही चेंज हुई थी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हुआ। तो ये एक वाकया था वहां उस मस्जिद का।